हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिलीवरी वार्ड में उपयोग में आने वाली इंजेक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट दवाओं के बारे में जानेंगे कि प्रसव के दौरान महिलाओं को कौन कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है ताकि महिलाओं का बच्चा सही से हो पाए। तो चलिए जानते हैं प्रसव में उपयोग होने वाले इंजेक्शन के बारे में। मैं इस वीडियो में तीन चीजें बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में। पहला, दवा का नाम। दूसरा, उस दवा में क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है। और तीसरा, दवा को किस कारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहला जो इंजेक्शन आती है दोस्तों, वो है सिंटोसिनोन। यह काफी फेमस और इम्पोर्टेंट दवा है डिलीवरी के दौरान उपयोग में ली जाने वाली, जो सिंटोसिनोन नाम से आपको मिलती है। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाई जाती है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और यह ऑक्सीटोसिन दोस्तों हमारे ब्रेन के एक ग्लैंड से भी निकलती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और यह ऑक्सीटोसिन दोस्तों हमारे लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जैसे रिप्रोडक्शन में, चाइल्ड बर्थ में इत्यादि। इसका इस्तेमाल दोस्तों यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं, यानी कि यूट्रस के सिकुड़ने का काम करती है यह इंजेक्शन, ताकि लेबर पेन बढ़ सके और बच्चा बाहर इजिली आ पाए सिकुड़ने के कारण। और कंट्रोल ब्लीडिंग, रक्त बहाव को नियंत्रित करने का भी यह ऑक्सीटोसिन काम करता है। ये थी इसका उपयोग। अब इसका डोज देख लेते हैं। तो इसको एक बार ही महिला को लगाते हैं, जो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देना होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सिंटोसिनोन का इस्तेमाल पता चल गया होगा कि यह इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों, वो है पिटोसिन इंजेक्शन, जो मार्केट में आपको पिटोसिन नाम से इजिली मिल जाएगी। इसका कॉम्पोजिशन भी ऑक्सीटोसिन होता है, जिसे आईवी और आईएम दोनों में लगा सकते हैं पेशेंट को। इसका इस्तेमाल भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और कंट्रोल ब्लीडिंग में करते हैं, जैसा कि सिंटोसिनोन इंजेक्शन में मैं आपको बताया था। इसको भी दोस्तों एक बार ही देते हैं, जो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। ये दोनों ही इंजेक्शन लेबर रूम में काफी इम्पोर्टेंट रोल करता है। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों, वो है मेथर्जिन, जिसका कॉम्पोजिशन मिथाइलर्गोमेट्रिन होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों बच्चे के जन्म के बाद होने वाले गर्भाशय से ब्लीडिंग को रोकने और नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है। यानी कि दोस्तों महिला का बच्चा होने के बाद खून यूट्रस से ज्यादा मात्रा में बाहर आता है, उसे रोकने के लिए हम लोग मेथर्जिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबोर्शन, एबोर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग को भी रोकने और कंट्रोल में लाने का काम करती है यह इंजेक्शन, जो 0.2 mg पर ml आती है, जिसे एक बार फीमेल पेशेंट को देते हैं। होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मेथर्जिन इंजेक्शन का कब यूज किया जाता है। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों मेथर्जिन के नाम से टैबलेट भी आती है, जिसका सेम यूज होता है जो मैंने इंजेक्शन में बताया था। हालांकि लेबर वार्ड में मेथर्जिन टैबलेट का वैसे यूज तो नहीं होता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेथर्जिन का टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आती है और दोनों का सेम काम होता है डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को रोकने का। इसको दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जाता है। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो लेबर रूम का इंजेक्शन आती है, वो है केबोप्रोस्ट, जो इस तरह की बॉक्स आती है। इसका कॉम्पोजिशन दोस्तों कार्बोप्रोस्ट ट्रोमिथाइन होता है, जैसा कि आप इसके बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी यूट्रस को सिकुड़ने के हेल्प में यूज किया जाता है। बिफोर एबोर्शन, एबोर्शन के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एबोर्शन इजी हो पाए यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण। और इसको दोस्तों इंट्रामस्कुलर में देते हैं, इसको आईवी में नहीं लगाया जाता है, यह आप ध्यान में रखना। इसका जो डोज होता है दोस्तों, वो 125 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो लेबर वार्ड में डिलीवरी परफॉर्मेंस करने से पहले एक बार पेशेंट को लगाते हैं, जो यूट्रस को
सिकुड़ने का काम करती है। होप सो दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन का यूज क्या है, इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है सर्वी प्राइम, जो 0.5 mg का जेल होता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक जेल होती है जिसका कॉम्पोजिशन डाइनोप्रोस्टोन होता है। आप जानते हैं इस जेल का काम क्या होता है, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो यह जेल दोस्तों सर्विक्स डायलेशन का काम करती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के दौरान इस जेल को महिला के सर्विक्स के माउथ में लगाते हैं, जिससे वो एरिया आसानी से खुल जाता है, उसमें फैलाव आ जाता है और बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है। इस डाइनोप्रोस्टोन जेल का यही काम है। होप सो आप समझ गए होंगे कि इस जेल का इस्तेमाल क्या है। जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि इस जेल का यूज क्या है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों वो आपको एपिडोसिन के नाम से मिल जाएगी, जो इस नाम से काफी फेमस दवा है, जिसका कॉम्पोजिशन वेल्थामेट ब्रोमाइड होता है। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो इसका मुख्य यूज सर्विक्स डायलेशन में किया जाता है। यह महावारी या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रसव के पहले चरण के दर्द को भी कम करने के लिए किया जाता है। यह इंजेक्शन लेबर रूम में काफी यूज किया जाता है, जो आपको इसके फेमस नाम एपिडोसिन से मिल जाएगी। इसको IM या IV दोनों रूप में दे सकते हैं, जैसा कि आप इसके बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। इसको जरूरत के हिसाब से ही डॉक्टर या नर्स की सलाह से ही एक बार दिया जाता है। होप सो इसका इस्तेमाल आपको पता चल गया होगा। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और आखिरी इंजेक्शन आती है, उसका नाम है ड्रोटिन। इस तरह की बॉक्स आती है जो आपको ड्रोटिन के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसका कॉम्पोजिशन ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। देखो दोस्तों, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड दर्द को रोकने का भी काम करती है। एठन टाइप की दर्द से यह इंजेक्शन रिलीफ देता है, जैसे माहवारी में होने वाले दर्द से एब्डोमिनल पेन ETC, इस तरह की दर्द में यह ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। इसका टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आती है, और यह इंजेक्शन दोस्तों फास्ट बर्थ करने में भी मदद करती है। इसी कारण ड्रोटिन इंजेक्शन का यूज लेबर वार्ड में किया जाता है। पेट दर्द जैसी समस्याओं में यह दवा काम तो करती है, पर इसके अलावा बच्चे को जल्दी जन्म करवाने में भी यह दवा काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जिसे पेशेंट को वन टाइम ही देना होता है। होप सो दोस्तों आपको इसका यूज समझ आ गया होगा। यह इंजेक्शन दोस्तों डिलीवरी को फास्ट करती है, ताकि बच्चा जल्दी हो जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई गई इंजेक्शन का यूज पता चल गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।